नमस्कार, पंजाबी टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। बात करेंगे घाटे की। एक महीने का रमजान का जो समय था वो ख़त्म हो गया और एक बार फिर से घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हो गया। गृह मंत्रालय ने सेना को ऑपरेशन ऑल आउट शुरू करने की परमिशन दे दी है और एक महीने के बाद कल पहली बार सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट आतंकियों के खिलाफ शुरू किया, जिसमें उनको पता चला कि कुछ इलाके में आतंकी बैठे हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने उनके खिलाफ जो है ऑपरेशन ऑल आउट का पहला एक महीने बाद जो कार्रवाई था, पहली कार्रवाई जो थी वो की है और कुछ आतंकियों पे हमले हुए हैं, आतंकियों को कुछ मारा गया है। और उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने रमज़ान के पावन महीने शुरू होने के समय ये कहा था कि रमज़ान का पावन महीना है, इस महीने में ऑपरेशन ऑल आउट जो है आतंकियों के खिलाफ उसको रोक दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। हालांकि आतंकियों की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं रहा, वो लगातार हमले करते रहे, सेना के ऊपर हमले किए, सुरक्षा बलों के ऊपर हमले किए और कई सैनिकों की जान भी ले ली, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने रमजान खत्म हुआ, ईद खत्म होने के बाद फिर से ऑपरेशन ऑल आउट को शुरू करने की परमिशन दे दी है और सेना घाटी में एक बार फिर से आतंकियों के खिलाफ मोर्चा बांध के तैयार है। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों को हम समय दर समय आप तक पहुंचाते रहते हैं, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए पहुंचाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।